रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के चिराग दिल्ली स्थित श्री धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली, जो कि पिछले कई वर्षों से रामलीला का मंचन करते आ रही हैं। आज हमारे सामने कुछ गणमान्य राजा और प्रजा हैं जो कि भगवान राम के राज तिलक में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम शिवम कुमार है। और पहली बात तो सबके लिए मैं जय श्री राम बोलना चाहूँगा। जय श्री राम। और हम लोग जो हैं अलग अलग देशों के राजकुमार हैं जो राम जी के तिलक योग के लिए हम आए हुए हैं। और शादी समारोह और भी कुछ जो हैं। कौन से देश के राजा हो? मैं जो हूँ अभी इस टाइम राजकुमार का जो पद, मैं पंजाब का नरेश राजकुमार का रोल निभा रहा हूँ इस टाइम। और बाकी सब अलग अलग राजकुमार हैं, अलग अलग देशों के हैं, प्रजाजन हैं और भी कई सारे कैरेक्टर हैं और अलग अलग देशों के हिसाब से बुलाए गए। तो आज भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा है, कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें सौभाग्य मिला है कि हम उनके राज तिलक में आए हुए हैं और इस किरदार को निभा रहे हैं। और जगह मतलब देश के मतलब शहर के हिसाब से हमें चुने गए हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। आप अयोध्या की प्रजा हैं, कितनी खुशी हो रही है भगवान राम का राज तिलक? सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। और हमें यहाँ चिराग दिल्ली में आके बहुत खुशी हो रही है और हम राम जी के जो हैं वो दरबार के जो हैं वो निवासी हैं, गांव के बोल सकते हैं। और हम उनकी शादी समारोह में, गुरु जी आपने उनकी शादी समारोह में यहाँ आए हैं। और हमारे सभी साथी बरेली के हैं, जो भी हैं यहाँ खड़े हैं हम लोग, और भी दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। आपको, आप किस देश के राजा हैं जो भगवान राम के राज तिलक में? बिहानपुर देश के राजा, बिहानपुर के। कितनी खुशी हो रही है आज भगवान राम का? बहुत खुशी हो रही है। कितने वर्षों से इंतजार था कि भगवान राम का राज तिलक हो? बहुत वर्षों से। आप अयोध्या के प्रजा हैं, कितनी खुशी हो रही है आज भगवान का राज तिलक है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी को शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राम जी की प्रतीक्षा तो सब लोग करते रहते हैं। पूरा देश राम जी की पद चिन्हों पर चल रहा है। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं, हम सिर्फ और सिर्फ राज तिलक की बात करें अयोध्या के राजा राम जी की, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने राजा को फिर से लाएं, राम राज्य फिर से आ रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है इसकी। बहुत खूब, भगवान राम फिर से राजगद्दी संभालें और राम राज आए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी भी आज के युग में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक तरह से राम राज्य की स्थापना करने वाले हैं। राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, राम मंदिर भी बन चुका है और जल्दी ये हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ VP शर्मा, INS। जय श्री राम। जय श्री राम।